ये खटारे का हाल बेहाल हो चुका है। वे गाइस नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो कैसा लगा मेरा कल का व्लॉग? अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आज मैं जा रहा हूँ एलिस ब्रिज, तो आपको भी लेके जाऊंगा, तो थोड़ा बैंक का काम है वो ख़त्म कर देंगे। तो ये देख सकते हो कि ये ग्रीन स्क्रीन मैंने बनाया हुआ है ग्रीन स्क्रीन नहीं है, वैसे ही वो धूप ना इसके लिए बनाया हुआ है। और यहाँ पे हमारे जूते पड़े हैं रॉयल एनफील्ड के, इतने टाइम से वैसे ही पड़े हैं, टाइम ही नहीं मिलता इसको पहनने का, कहीं राइड पर भी मैं नहीं जाता हूँ। तो देख लेते हैं मायरा क्या कर रही है। बाप रे, तो मायरा तो अभी सो रही है, तो मैं उसको गुड बाय नहीं बोलूँगा, चला जाऊँगा सीधा। तो आज सब कुछ यहाँ पे भसड़ मची हुई है, तो सब कुछ पैक कर देता हूँ। चाय नाश्ता हमारा डन हो चुका है। तो भाई लोग मैं पहुँच चुका हूँ कोबा। तो कोबा से आप यहाँ पे स्ट्रेट जाओगे तो आपको एयरपोर्ट रोड मिलेगा, और यहाँ से थोड़ा सा राइट लेके एक और रास्ता है, तो उस पर जाओगे तो आपको विसत जाओगे, विसत चांदखेड़ा तरफ जा सकते हो। तो ये रास्ता सही रहेगा, क्योंकि ये रास्ते पे आप अगर एयरपोर्ट रोड पे जाते हो तो रिवर फ्रंट के उस तरफ निकलते हो, और यहाँ पे मुझे जाना है रिवर फ्रंट के राइट साइड में ही। तो इस तरफ जाएंगे, हम जाएंगे एलिस ब्रिज, और एलिस ब्रिज साकार टू बिल्डिंग है, उसमें बैंक का काम है वो ख़त्म करेंगे और बाद में आगे जाएंगे। आज का शेड्यूल हमारा कुछ इस तरह का है, फिर जाएंगे ऑफिस, ऑफिस में थोड़ा छोटा मोटा काम होगा तो करेंगे, वरना चिल मारेंगे ऐसा नहीं है, थोड़ा काम तो ज़रूर है तो वो करेंगे। और तो ये रहा साबरमती आश्रम, बापू का आश्रम है, आपके मेरे बापू ने महात्मा गांधी का आश्रम। तो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह लोग बहुत आते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी वगैरह भी आते हैं यहाँ पे, पूरा उनका पूरी उनमें लाइफ में क्या किया सब कुछ है अंदर, काफ़ी अच्छा आश्रम है। कोई दिन हम भी चलेंगे अंदर और आपको भी मैं ले जाऊँगा कि गांधी जी का क्या योगदान रहा है हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, काफ़ी बड़ा योगदान है। वैसे तो बहुत सारे लोग थे लेकिन बापू का कुछ ज़्यादा ही योगदान था, इसीलिए आज उनको हर एक नोट पे उनका फोटो है। तो यहाँ से आप जैसे ही आश्रम से निकलोगे तो यहाँ थोड़ा और आगे आओगे तो एक लेफ्ट साइड में टर्न आएगा, तो वो टर्न में आप चले जाओगे तो आप रिवर फ्रंट के दूसरी साइड पहुँच जाओगे, साबरमती रिवर फ्रंट। तो ये अच्छी बात इसके लिए है क्योंकि आपको जो बहुत सारे बीच में जंक्शन होते हैं क्रॉसिंग होते हैं वो नहीं आते हैं यहाँ पे, बहुत ही कम लोग ये रास्ता यूज़ करते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल और भी ज़्यादा क्राउडी हो गया है, लेकिन ये चिल आउट करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं, फ्लावर शो होता है, काइट फेस्टिवल हो गया, फिर ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे फेस्टिवल ये रिवर फ्रंट पे होते हैं, बहुत ही लंबा रिवर फ्रंट है और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी भी होती है, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक सब कुछ सब लोग एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे आके। और यहाँ पे क्या है, ऐसा रिवर फ्रंट आपको दिख रहा है लेकिन यहाँ से नीचे जाना है स्टेयर्स लेके, फिर वहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हो, फिर वो सेगवे है, फिर आप बैठ सकते हो, और आगे गार्डन है, होटल है छोटा सा, बहुत ही कूल प्लेस है। अब देखिए बहुत सारे कॉलेज के लड़के सब लोग यहाँ बैठने आते हैं, सब एंजॉय करते हैं, बढ़िया जगह है। तो हम लोग एलिस ब्रिज पहुँच चुके हैं, तो हमको जाना है वो वाली बिल्डिंग में, और तो यहीं से ऐसे पूरा घूम के जाना पड़ेगा। तो अभी सिग्नल चालू है तो थोड़ा खड़े हैं। तो वो बिल्डिंग में क्या है कि पार्किंग का बहुत ही इश्यू है, क्योंकि वो पुराना बिल्डिंग है ना, पुराने टाइम में तो उतना पार्किंग का वो नहीं था, तो इसके लिए तो पार्किंग का जगह थोड़ा मिलना मुश्किल होगा। मिल गया पार्किंग, मिल गया, अरे बल्ले बल्ले। तो शायद आधा घंटा हो गया यहाँ बैठे बैठे, 27 नंबर है मेरा,
और भी आधा घंटा लगेगा। छोटे से काम के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है यहाँ पे बैंक में। क्या करें? तो अभी बजे है शाम के 5 और मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से घर जाने के लिए। तो कुछ खास दिन नहीं रहा आज। आज नॉर्मली ऑफिस में ज़्यादा काम भी नहीं था, तो वैसे ही चिल आउट कर रहे थे सब लोग। पे अंडर पास के अंदर एकदम गजब का साउंड आता है, मैं आपको सुनाता हूँ अभी। तो ऐसे चुपके से जाएगा, अब देखना अभी है। मजा आ गया, मजा पैसा वसूल, एग्जॉस्ट है भाई। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये खटारे का हाल बेहाल हो चुका है, पूरा गिर गया है यहाँ से। तो यहाँ पे पहले रास्ता था, तो रात को नहीं दिखा होगा बेचारा, कल रात का यहाँ से गिरा हुआ है, कोई इसको उठाने भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अंडर ब्रिज का काम चालू है, तो उसी काम के लिए वो ट्रक आया हुआ था, तो रात को अंधेरे में उसको दिखा नहीं। कैसे लोग हैं। उसने ही गड्ढा किया और वो खुद गिर गया, ऐसा हुआ ना, मतलब कि उसके भाई लोगों ने किया होगा गड्ढा और वो खुद गिर गया। तो लाइट्स वगैरह यहाँ पे नहीं है ना, इसके लिए ऐसा इंसिडेंस हो गया है। कोई नहीं, चलिए, कोई मरा तो नहीं ना भाई तिसिर भाई? नहीं, तो कोई मरा नहीं है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा चोट ही लगा है ड्राइवर को, बाकी सब ओके है। खटारा भी जिंदा है। वो लेटा हुआ है ना, बहुत दिनों से खड़ा था, तो साली लेट गया है अभी। तो टाइम बज गए 6:15, तो मैं घर पहुंच चुका हूँ और मम्मी जी हंस रही है। तो थोड़ा रास्ते में भटक गया था, ऑफिस से निकला था, तो थोड़ा लेट पहुंचा हूँ। बाल बराबर है ना, वो हेलमेट पहनता हूँ ना तो पता नहीं चलता है कैसा लग रहा हो। तो सबके लिए शाम का नाश्ता, तो ये दादा को दे देता हूँ पहले, घर के बड़े हैं तो पहले उनको देता हूँ मैं। हेलो बा, कैसे हो? अच्छा है। दादा दाबेली खाओ आप। और ये मम्मी की, ये आयुषी की, ये चारुल की, मुझे नहीं खाना है। ओह, मम्मी बोल रही आधा आधा, ठीक है तुम आधा करके रखो, हम आते हैं। तो ये दाबेली है, तो दाबेली के एक्सचेंज में हमारी सिस्टर हमको मैगी दे रही है। इतनी सी मैगी? हाँ। और इतनी बड़ी दाबेली? और ये फूड ब्लॉगर है तो मैगी भी खाएगी, दाबेली भी खाएगी और खाना भी खाएगी, और पेट देखो इतना ही। तो मैगी हमको मिल गई है, तो हम मैगी खाए क्योंकि पाव वाले आइटम मैंने खाना बंद किया है। ओ नो, इतने से कुछ नहीं होगा, इतना चलता, इतने से चलेगा, थोड़ा ही है, चलेगा, चलाऊंगा मैं। तो बस आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। डिनर हो गया है हमारा, सबने खाना खा लिया है, 10 बजने को आए हैं, तो अभी जल्दी से थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा टीवी देखेंगे, थोड़ा माहिरा के साथ खेलेंगे, फिर बाद में एडिटिंग करूंगा, बाद में मैं सो जाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जो लास्ट व्लॉग था आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। चलिए मिलते रहेंगे, टाटा।